स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और बहुत सारे कोर्सेज आपके सामने लेकर आएंगे और आप हमारे वेबसाइट पे हमसे जुड़ सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज को देख सकते हैं। एक्सपर्टाइज नॉलेज को गेन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हम जब भी नए वीडियोज़ अपलोड करें तो आपके पास लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आ जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इनकम टैक्स के एक टॉपिक को कवर करेंगे। हमें ये देखना है इस वीडियो के माध्यम से कि क्या स्टेप्स हमें कंसिडर करने हैं टोटल इनकम या टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए। सो सिर्फ एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी और हम स्टेप्स को देखेंगे कि कौन से स्टेप्स हमें उठाने हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। हमें इस वीडियो के माध्यम से क्या देखना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्सेबिलिटी। ओके, टैक्स रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हम स्टेप्स को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले डिटरमाइन करना कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो डिटरमाइन और यू कैन से दैट डिटरमिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, ये सेक्शन 6 के अंदर कवर होता है। इसको हम डिटेल में कवर करेंगे फ्यूचर वीडियोस में, यहाँ पे सिर्फ हम स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है कि पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, तो पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा, हमें क्लासीफाई करना होगा कि हमारे पास जो इनकम है, ठीक है, वो किस हेड्स ऑफ इनकम में आती है। हमें अभी क्लासीफाई करना है कि वो कौन से हेड ऑफ इनकम में आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी में आती है, हाउस प्रॉपर्टी में आती है, PGBP में आती है, कैपिटल गेन में आती है, अदर सोर्स में आती है, किस में आती है, हमें वो देखना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, क्लासिफाई करने के बाद थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कौन सी इनकम एक्सक्लूड है, एक्सक्लूजन, और वी कैन ऑल्सो से दैट एग्जेम्प्ट, कौन सी ऐसी हमारी इनकम है, कौन सी ऐसी मेरी आय है जो कि एग्जेम्प्ट है। ठीक है, जिस पर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स चार्जेबल ही नहीं होना है। ठीक है, टैक्स के चार्जेबल ही नहीं होना है। ठीक है, थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, हमें कंप्यूट करना होगा। अभी तो ऊपर मैंने क्लासिफाई कर दिया डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हेड के अंदर। ठीक है, अब हम कंप्यूटेशन करेंगे। ठीक है, ऑफ इनकम, हमारे पास जो आय है वो कौन से हेड में जाती है, हमें वो देखना है कि सैलरीज में जाती है, कि PGBP में जाती है, कि हाउस प्रॉपर्टी में जाती है, किस में जाती है, हमें वो चेक करना है। ठीक है, उसके में हम कैलकुलेट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो है उसमें हम देखेंगे क्लबिंग, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में एक फ्यूचर वीडियोज़ में कवर करेंगे, बट एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ। क्लबिंग इनकम क्या होता है, हमारी जब आय या कोई इनकम हम टैक्स बचाने के लिए उसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी के नाम, फॉर एग्जाम्पल स्पाउस यानी हस्बैंड है वो तो वाइफ के नाम, वाइफ हो तो हस्बैंड के नाम, या अपने छोटे बच्चों के नाम। ठीक है, तो हम अगर टैक्स बचाने के लिए उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्लब हो जाती है। कुछ प्रोविजंस के कंडीशंस हैं, उसको अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो उसके बाद वो क्लब हो जाती है। ठीक है, क्लब यानी SSC के ऊपर ही वो इनकम टैक्सेबल हो जाती है। अब SSC कौन है, इसको ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको वहाँ पे जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, आफ्टर क्लबिंग यानी क्लबिंग ऑफ इनकम यानी आय को क्लब करने के बाद जो हमारी छठी स्टेप आती है वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड मीन्स अगर हमारा नया बिजनेस है और अभी कोई लॉस हो गया है हमारे बिजनेस को, तो कौन सा लॉस किस इनकम के हेड में एडजस्ट होना है, या अगर लॉस नहीं एडजस्ट हो रहा है या होने के बाद भी बच जा रहा है तो हम उसे कितना आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और किस किस सोर्स के अंदर में उसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हम अपने लॉस को एडजस्ट कर पाएँ और इनकम को टैक्स लायबिलिटी से सेव कर पाएँ। ठीक है, छठा स्टेप वो होगा। सातवां स्टेप होगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट करने का। जब ये सारी स्टेप आ जाती तो हम अब क्या कर लेते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम को कंप्यूट कर लेते हैं। आठवां पॉइंट होगा डिडक्शंस, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से हमें डिडक्शंस मिलेंगे जो कि चैप्टर 6A का पार्ट होते हैं और 80C से 80U के अंदर कवर होता है। ठीक है, तो हम डिडक्शंस को भी एक सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे, यहाँ पे सिर्फ स्टेप्स को डिस्कस कर। तो आठवें नंबर पे हमें क्या करना है, डिडक्शंस को कंप्यूट करना है। अब ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, डिडक्शंस हो गए, ठीक है,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगी ना। तो हम कंप्यूट कर लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। उसके बाद जब इनकम आ गई तो हमें क्या करना है, रेट्स लगाने, रेट्स ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक ऑलरेडी वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं कि हम कैसे टैक्स रेट को एप्लीकेबल करते हैं अपने टोटल इनकम पे। ठीक है, फिर रेट्स लग गए 10th नंबर पे, फिर 11th नंबर पे हमें चेक करना है कोई हमें रिबेट तो नहीं मिल रहा है या कोई रिलीफ तो नहीं है, हम किसी रिबेट या रिलीफ के लिए एलिजिबल तो नहीं है, अगर वो है तो हमें वो मिलेगा। ठीक है, 12th नंबर पे सरचार्ज एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो कौन सा परसेंटेज है, 10 है, 15 है, कौन सा है। ठीक है, 13 नंबर पे हम क्या लगा देंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे, किस पे, इनकम टैक्स के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाता है। 14th स्टेप क्या होगा, एडवांस टैक्स, अगर कोई एडवांस टैक्स है तो हम वो कैलकुलेट करके पे करना है, या TDS है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, तो जनरली ये 15 स्टेप हैं जो कि फॉलो करने होते हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम कंप्यूट कर सकें और टैक्सेबिलिटी उसकी आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, सो ये जस्ट स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स को थोड़ा सा आप माइंड में रखेंगे, कई बार थ्योरी क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आ जाता है, और न्यूमेरिकल केस में भी जब आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन होते हैं तो कई बार स्टूडेंट को ये नहीं पता कि वो देखता नहीं है कि वो पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, और वो इतना रश्ट अप रहता है, इतना हड़बड़ी में रहता है कि वो क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करता चला जाता है। और अगर आपको स्टेप्स मेमोराइज रहेंगे तो आपको ध्यान होगा कि आप पहले कर लोगे, पहले क्या चेक करोगे भाई वो रेसिडेंट है कि नहीं है। ठीक है, फिर क्लासीफाई करोगे उसकी इनकम, कौन सी इनकम किसके अंदर है वो क्वेश्चन पेपर में आपने हाईलाइट कर दिया, फिर कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है। तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप जब रिवाइज करोगे और आप इसको जब अपनी डेली हैबिट में ले आओगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, तो एग्ज़ाम हॉल में आपसे एरर के चांसेस बिल्कुल निल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था कि मैम घर पे प्रैक्टिस करते हैं या आप क्वेश्चन सॉर्ट आउट कराते हैं तो इजी रहता है, बट एग्ज़ाम हॉल में क्यों मिस्टेक हो जाती है, क्यों मार्क्स कम मिलते हैं। तो जब आप ये स्टेप को ध्यान में रखेंगे और इस स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि एक क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है मिस्टर राम, ठीक है, एज 70 ईयर्स ओल्ड और अर्न बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, से एक्स अमाउंट, कोई भी अमाउंट है हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आप इस स्टेप के हिसाब से सबसे पहले क्या ध्यान दोगे कि राम जो है एक इंडिविजुअल है, ठीक है, प्लस क्या है वो 70 ईयर्स हैं, तो ये क्या हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया। तो जब आपकी हैबिट बनी होगी तो ही आप सॉर्ट आउट कर पाओगे। फिर आपने क्लासीफाई करना है सेकेंड में कि इनकम कैसे है, तो बैंक इंटरेस्ट है, आप परेशान नहीं हो, आपको आगे चल के ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बैंक इंटरेस्ट है तो ये क्लासीफाई कर दिया आपने, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ रही है, ठीक। फिर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तो आपने क्लासीफाई कर लिया, फिर आप थर्ड नंबर पर क्या चेक करो, क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है लेकिन कहीं वो एग्जेम्प्ट तो नहीं है, ठीक है, तो कहीं कुछ पोर्शन तो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो आप फिर एग्जेम्पशन और एक्सक्लूजन चेक करोगे, फिर अगर एग्जेम्पशन होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो आप टोटल इनकम को कंप्यूट करोगे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है, जब आप बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करोगे तो ये स्टेप्स आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत स्टूडेंट इसको बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, बिल्कुल कहते कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और आपको एक्चुअली में एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, और एग्ज़ाम तक केवल सीमित नहीं रहना है, आपको अपना लाइफ भी सेटल करना है, कुछ पैसे भी कमाने हैं, एंड यू हैव टू गो अहेड, तो ये स्टेप्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इन स्टेप्स के बाद, तो आप प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दें, ताकि फ्यूचर वीडियोस में हम उसको एनालिसिस करने के बाद अगर लगे तो हम उसे अपडेट करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकें, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि हम जब भी नए वीडियोज़ अपलोड करें आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचे। सो कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।